तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नेबर्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे आपका खुद का एक जो है कस्टम रूम बना सकते हैं। कस्टम रूम के बारे में आपको मैं जो है फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करेगा। गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही कस्टम रूम के बारे में आपको ए टू जेड जानकारी यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई का छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइस, उसके पास जो बेल आइकन है जरूर उसको ऑल पे सेट कर दो ताकि अपकमिंग आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप सबको पता है कस्टम रूम बनाने के लिए आपके पास जो है कस्टम रूम कार्ड होना चाहिए। तो कस्टम रूम कार्ड कहाँ पर मिलता है? तो गाइस, मैं आपको बता दूँ। गाइस, यहाँ पर देखिए स्टोर पे चलते हैं। स्टोर में जाने बाद गाइस, यहाँ पर देखिए नीचे लिखे गए आइटम्स। तो आइटम्स के ऊपर क्लिक करने बाद गाइस, यहाँ पर देखिए 100 डायमंड के एक्सचेंज पर आपको एक रूम कार्ड मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख पड़े मतलब यहाँ पर आपको डायमंड देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है हर हफ्ते फ्री में भी एक जो है रूम कार्ड मिलता है। तो वो रूम कार्ड कैसे मिलता है तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, यहाँ पर देखिए आपको गिल्ड में आना है। गिल्ड में आने के बाद गाइस, यहाँ पर देखिए टूर्नामेंट के ऊपर क्लिक करना है। मतलब आपको हर हफ्ते जो है हमारा फ्राइडे को एक टूर्नामेंट होता है। मतलब आपके जो है गिल्ड में हर मेंबर को मिलकर जो है 1800 डॉक्टैक करना पड़ता है। जैसे 1800 डॉक्टैक हो जाएगा तो उसके बाद आपको गिल्ड में जितने सारे मेंबर है सबको जो है एक एक रूम कार्ड यहाँ पर मिलने वाला है फ्री में। ठीक है, ये देख पा रहे। तो ये टूर्नामेंट का हर हफ्ते फ्राइडे को होता है ये टूर्नामेंट। तो यहाँ पर आपको हर हफ्ते एक एक जो है रूम कार्ड फ्री में भी मिल जाते हैं। तो गाइस, अभी हम बात करते हैं कि आप लोग कैसे एक कस्टम रूम को जो है क्रिएट करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर देखिए आपको क्लासिक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने बाद गाइस, यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग के साइट में लिखे गए कस्टम। ठीक है, हम देख पा रहे हैं। तो कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद गाइस, यहाँ पर आपको बहुत सारे देखिए रूम आ रहे हैं। तो रूम के ऊपर क्लिक करके भी किसी रूम में आप जा सकते हो। ठीक है, हम देख पा रहे। उसके बाद यहाँ पर देखिए और एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर आ रहा है एक सर्च का ऑप्शन। मतलब किसी भी अगर कोई बंदा आपका फ्रेंड जो है कस्टम रूम बनाया है उसके आईडी को लेकर यहाँ पर सर्च करके उसके कस्टम रूम में भी आप जा सकते हो। यहाँ पर देख पा रहे एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हम देख पा रहे उसका रूम का आईडी लाकर यहाँ से क्लिक करके उसका रूम में भी आप जा सकते हो। उसके बाद अगर आप खुद का जो है रूम क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल से क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने बाद गाइस, आपके सामने जो है तीन ऑप्शन आ रहे हैं। एक है रूम, दूसरा है गेम और तीसरा है ऑब्जर्व। ठीक है, तीन ऑप्शन आ रहे हैं। तो तीनों ऑप्शन के बारे में मैं आपको जो है फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पहले तो गाइस, आपको रूम नेम मतलब रूम नेम आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, आपका रूम नेम कुछ भी यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हो। ठीक है, हम देखकर ओके करेंगे। अगर आप यहाँ से कुछ भी रूम कार्ड नहीं दोगे तो यहाँ पर रैंडमली आपका जो नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से आपका रूम का पासवर्ड भी हम देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो रूम का पासवर्ड आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, ओके करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर देख पा रहे हो आपका रूम का पासवर्ड। रूम का पासवर्ड देने का फायदा ये है कि आपके हिसाब से आप जिस भी बंदे को जो है रूम में लाना चाहते हो तो इसीलिए आपको रूम का पासवर्ड यहाँ पर भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर रूम का पासवर्ड नहीं दोगे तो बहुत सारे बंदे बाहर से आपके रूम में आ जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर देखिए आपका रूम का पासवर्ड यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए गेम मोड का ऑप्शन आ रहा है। तो गेम मोड का ऑप्शन में क्लिक करते हैं। गेम मोड के ऊपर क्लिक करने बाद गाइस, यहाँ पर देख पा रहे आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहे हैं। एक है क्लासिक, दूसरा है रॉ सर्वर, तीसरा है बैटल केस, उसके बाद क्लास स्क्वाड, उसके बाद टीम डेथ मैच, उसके बाद बॉम्ब स्क्वाड। ठीक है, इससे बहुत सारे आपके सामने मोड आ रहे हैं। तो आप उसी भी मोड के ऊपर क्लिक करके उस मोड को जो है आप खेल सकते हो। एक मिनट में आपको यहाँ पर क्लासिक मोड आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्लासिक के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लासिक में क्लिक करने बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन आ रहा है मैप का ऑप्शन। मतलब आपका जो है कौन सी मैप में आपका रूम बनना चाहते हो, मतलब बरमुडा खेलना चाहते हो, अपने प्रोगेटिव खेलना चाहते हो, अपनी कलहरी खेलना चाहते हो, तो यहाँ पर क्लिक करके उसको चूज कर सकते हो। मतलब आप कलहरी खेलना चाहते हो तो कलहरी पर क्लिक करेंगे। प्रोगेटिव में आपको रूम बनना चाहते हो तो प्रोगेटिव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बरमुडा के ऊपर क्लिक करके बरमुडा मैप में भी आप जा सकते हो। उसके बाद गाइस और एक ऑप्शन आ रहा है गेम मोड। मतलब आपको सोलो खेलना है या फिर डुओ खेलना है या फिर आपको स्क्वाड खेलना है। ठीक है, तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। मतलब आपके रूम में जो सारे प्लेयर जाएंगे वो सोलो में जाएंगे या फिर डुओ में जाएंगे या फिर स्क्वाड में जाएंगे। तो आपके हिसाब से आप यहाँ से रख सकते हो। ठीक है, सोलो डुओ स्क्वाड तीनों ऑप्शन है। तो आप हिसाब से जो गेम मोड रखना चाहते हो यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद गाइस और एक ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप लिस्ट। ड्रॉप लिस्ट क्या होता है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, यहाँ पर देखिए क्लासिक में मतलब क्लासिक में इस सारे चीज़ जाएंगे। लेकिन गाइस अगर आप जो ग्रेनेड चूज करते हो तो किसी भी यहाँ पर ग्रेनेड चैलेंज होगा। उसके बाद आप मेले चूज करते हो तो मेले में पारंग टैन उस तरह से ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद स्नाइपर चूज करते हो ओनली स्नाइपर आपको जो है उसी मैप में देखने मिल जाएगा। उसके बाद पिस्टल देखने क्लिक करते हो तो वहाँ पर सिर्फ आपको पिस्टल मिलेगा। मतलब पिस्टल ही आपको हर सारे बंदे जो है पिस्टल से खेलेंगे। तो आप इस हिसाब से आप अगर ग्रेनेड से खेलना चाहते हो तो आप ग्रेनेड क्लिक करेंगे। अगर मेले उसके बाद स्नाइपर उसके बाद पिस्टल। ठीक है, इससे बहुत ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपको इस सारे चीज़ को लेना है तो आप क्लासिक के ऊपर क्लिक करके क्लासिक को ले सकते हो। ठीक है, क्लासिक में क्लिक करने से सारा आइटम जो है आप में जो है मिल जाएगा।
उसके बाद गाइज और एक ऑप्शन आ रहा है प्लेयर्स का ऑप्शन, मतलब प्लेयर्स कितने प्लेयर आपके जो है कॉस्ट्यूम रूम में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 आ रहा है और 20 आ रहा है, ठीक है। इससे आपको आपके हिसाब से कितने बंदे आपके रूम में जाना चाहते हो तो उसी हिसाब से आपको जैसे प्लेयर जो है चूज करना है। तो यहाँ पर 48 चूज कर लेते हैं हमें। उसके बाद गाइज एक और एक ऑप्शन आ रहा है स्पेक्टाट्रॉस। तो गाइज यहाँ पर देख पड़े मतलब आपको गेम को जो है कितने बंदे जो है देखेंगे, तो गाइज यहाँ पर देख पड़े मैक्सिमम आपको यहाँ पर जो है 16 बंदे आपको गेम को देख सकते हैं यहाँ पर देख पर स्पेक्टाट्रॉस पे, ठीक है। आपके हिसाब से आप जितना स्पेक्टाट्रॉस रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो गाइस मैं आपको हमारे रूम का सारा ऑप्शन यहाँ पर बता दिया, उसके बाद चलते हैं गेम में। तो गाइस यहाँ पर देख पर गेम का पहला ऑप्शन आ रहा है एचपी, मतलब आपके रूम में जितने सारे प्लेयर जाएंगे तो प्लेयर का एचपी आप कितना रखना चाहते हो तो आपके हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है 200, 500, 50 और 1, आपके हिसाब से आप जितना एचपी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ठीक है। जब देख पा रहे हो उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए लिखे गए मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड गाइस क्या होता है ना, मैप में आप जो रनिंग करते हो तो वो रनिंग 100 तो 100% रहता है, लेकिन गाइस अगर आपको उसको बढ़ाना है या फिर घटाना है तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। मतलब गाइस देखिए 50 और 125 और 200 स्पीड आप रख सकते हो, ठीक है। मूवमेंट स्पीड तो आपके हिसाब से आपके प्लेयर का जितना मूवमेंट स्पीड रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ठीक है। जब देख पा रहे हो उसके बाद गाइस और एक ऑप्शन आ रहा है एनवायरमेंट। तो आपको जो मैप में आप दिन में खेलना चाहते हो या फिर रात में, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है डे और नाइट। नाइट करोगे तो मैप में सारा जो है अंधेरा अंधेरा देखने मिलेगा, और डे करते हो तो आप जिस तरह से खेल रहे हो अभी क्लासिक रैंक उस तरह से आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए लिखा गया फॉल डैमेज। तो फॉल डैमेज क्या होता है गाइस मैं बता दूँ, गाइस अगर आप किसी जो है ऊंचाई से आप गिरते हो तो यहाँ पर आपको डैमेज पड़ता है, ठीक है। मान लो आप बीमा शक्ति से नीचे गिर जाते हो तो यहाँ पर आपको डैमेज पड़ता है 190 के आसपास आपको डैमेज पड़ता है। अगर आप जो है यहाँ से नो करते हो, वहाँ पर देखिए नो करोगे तो अगर आप जो है किसी हाइट से अगर गिरे नीचे गिर जाते हो मैप में तो वहाँ पर आपको डैमेज नहीं पड़ेगा। अगर आप डैमेज करना चाहते हो हर बंदे का तो वहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है। जब देख पा रहे हो उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए लिखा गया एयर ड्रॉप। तो आपके मैप में अंदर जो है एयर ड्रॉप होना चाहिए या फिर नहीं, आपके हिसाब से यहाँ पर यस नो आप कर सकते हो, ठीक है। जब देख पा रहे उसके बाद लिखा गया व्हीकल। तो आपके मैप में जो है व्हीकल होना चाहिए या फिर नहीं, तो आपके हिसाब से यस और नो कर सकते हो, ठीक है। जब देख पा रहे व्हीकल का भी ऑप्शन यहाँ पर आ रहे। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए लिखा गया एयर स्ट्राइक। तो गाइस एयर स्ट्राइक का मतलब ये होता है ना, आपके मैप में जो डेंजर गिरता है रेड कलर का, वहाँ पर जो बम गिरता है ऊपर से, उसको आप रखना चाहते हो या फिर नहीं, तो आपके हिसाब से यहाँ पर यस या नो कर सकते हो, ठीक है। गाइस यहाँ पर देखिए एयर स्ट्राइक लिखा गया है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए राइट साइड में लिखा गया पहला ऑप्शन ईपी। तो आपके जितने सारे प्लेयर जा रहे हैं गेम के अंदर तो उनका ईपी आप कितना देना चाहते हो तो आपके हिसाब से हमें देखिए आ रहा है 0 या फिर 50 या फिर 200, तो आपके हिसाब से आपको ईपी देना है, ठीक है। आपके जितने सारे प्लेयर जा रहे हैं तो उनका आप कितना ईपी देना चाहते हो तो आपके हिसाब से यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद जंप हाइट। तो जंप हाइट का क्या मतलब है ना, आपके जितने सारे प्लेयर जा रहे हैं तो वो प्लेयर जो है कितना जंप कर सकते हैं, ठीक है, कितना हाइट तक वो जंप कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है 100, 200 और 400, ठीक है। आपके हिसाब से आपके प्लेयर का जितना भी हाइट आप रखना चाहते हो जंप हाइट, तो उसके हिसाब से आप रख सकते हो, ठीक है। जब देख पा रहे तो कहते उसके बाद हमारे कॉस्ट्यूम रूम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये आ रहा है कि हमारा लिमिटेड एमो। तो लिमिटेड एमो का क्या मतलब है ना गाइस, हमें देखिए यस और नो आ रहा है, मतलब आपका जो जितने सारे प्लेयर जा रहे हैं तो उनका जो एमो है या फिर ग्रेनेड है या फिर ग्लोवाल है तो उनको लिमिटेड रखना चाहते हो या फिर अनलिमिटेड रखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको यस या नो करना है, ठीक है। अगर आप जो अनलिमिटेड रखना चाहते हो तो सिंपल से आपको नो करना है, या अगर आपको लिमिटेड करना है तो यहाँ पर यस करना है, ठीक है। ग्लोवाल या फिर ग्रेनेड या फिर जो एमो वगैरह उसको अगर आप लिमिटेड करना चाहते हो तो यहाँ पर यस करना है, अगर उसको अनलिमिटेड करना चाहते हो तो यहाँ पर अनलिमिटेड करना है, ठीक है। अगर गाइस यहाँ पर लिमिटेड आमो पे नो कर देते हो तो गाइस यहाँ पर जितने सारे बंदे जाएंगे तो सबको जो है अनलिमिटेड मिलने वाला है आमो ग्लूवाल ग्रेनेड, ठीक है। इस तरह से जो सारे आइटम है तो उनको मिलेगा अनलिमिटेड, ठीक है। जैसे मैं देख पा रहे हो तो आप हिसाब से यहाँ पर यस या नो कर सकते हो। उसके बाद गाइस और एक ऑप्शन आ रहा है लोड आउट। तो गाइस लोड आउट का मतलब क्या होता है ना, आप गेम के अंदर जो लेकर जाते हो बोन फायर या फिर बाउंड टोकन लेकर जाते हो तो उसका कहते हैं यहाँ पर जो है लोड आउट। तो आपके हिसाब से उसके आपके रूम के अंदर जो है जितने सारे प्लेयर जा रहे हैं तो वो यहाँ पर ये बोन फायर और बाउंड टोकन वगैरह लेकर जा सकते हैं या फिर नहीं, आपके हिसाब से यहाँ पर यस नो कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पर लिखा गया कैरेक्टर स्किल। तो कैरेक्टर स्किल मतलब क्या होता है ना, आपके रूम के अंदर जितने सारे प्लेयर जा रहे हैं, ठीक है, वो प्लेयर का जो है कैरेक्टर, मतलब अब मैं आलोक लेकर जा रहा हूँ तो आलोक का स्किल वहाँ पर होना चाहिए या फिर नहीं, तो आपके हिसाब से आप यहाँ पर यस नो कर सकते हो, ठीक है। जितने सारे प्लेयर जा रहे हैं तो उनका कैरेक्टर का स्किल वहाँ पर रहना चाहिए या फिर नहीं, तो हमें अगर रखना चाहते हो तो हमें यस करना है, अगर रखना नहीं चाहते हो तो यहाँ पर आप नो कर सकते हो, ठीक है। जब देख पा रहे तो गाइस उसके बाद ऑप्शन आ रहा है यूएवी। तो गाइस यूएवी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। गाइस आप सभी पता है कि बीच बीच में एक जो है ड्रोन उड़ता है आपके ऊपर से और आपको पता चल जाता है कि आपके पास में कितने सारे बंदे कहाँ पर छुपे हैं, तो आपको पता चल जाता है रेड कलर का ऑप्शन आता है वहाँ पर पता चल जाता है कि आपके पास में कितने सारे बंदे कहाँ पर छुपे हैं, तो वो होता है यूएवी। तो आपके हिसाब से आपके गेम के अंदर यूएवी होना चाहिए या फिर नहीं, तो यहाँ पर यस या नो कर सकते हो। तो गाइस उसके बाद लिखा गया एयरशिप। तो एयरशिप गाइस आप सबको पता है कि आपके मैप में अंदर जो है एक एयरशिप उड़ता है और वो बीच बीच में जो है एक ड्रॉप गिरा के जाता है, वहाँ पर आपको आमो और वेपन्स और जो है ग्लूवाल ये सारी चीज़ आपको हमें मिल जाता है, तो वो होता है एयरशिप। तो
तो आपके कस्टम रूम के अंदर जो है एयर सी को होना चाहिए तो या नहीं, तो आपके हिसाब से यहाँ पर येस या नो कर सकते हो। तो गाइज मैं आपको हमारे गेम का जितने सारे ऑप्शन है तो सारा ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया। अभी गाइज यहाँ पर देखिए गेम के पास में लिखा गया ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व क्लिक करना है। तो गाइज ऑब्जर्व का पहला ऑप्शन आ रहा है डेथ स्पेक्टर, तो गाइज हमें लिखा गया है यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक येस और नो। तो गाइज डेथ स्पेक्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। गाइज अगर कोई बंदा ने आपको किल कर लिया, किल करने बाद अगर आप जो उसी बंदे का जो है गेम प्ले देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर येस करना पड़ेगा। अगर गाइज कोई बंदा आपको किल कर लेता है, किल करने बाद आपको गेम जो है बैक होना चाहिए तो वहाँ पर आपको नो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक येस नो। अगर गाइज कोई बंदा आपको किल करता है, ठीक है, किल करने बाद अगर उसी बंदे को आपको गेम प्ले देखना है तो आपको यहाँ पर येस करना है। अगर गाइज उसका गेम प्ले को नहीं देखना है तो आपको सिंपल यहाँ पर नो करना है। उसके बाद और एक ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक इमुलेटर, तो गाइज लिखा गया यहाँ पर गाइज सिर्फ आपको येस और नो करना है। ब्लॉक इमुलेटर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर गाइज आप एक एमुलेटर से खेलते हो तो आपको यहाँ पर येस करना पड़ेगा। अगर आप नहीं खेलते हो, आप मोबाइल से खेलते हो, तो आपको यहाँ पर नो करना पड़ेगा। तो गाइज ब्लॉक एमुलेटर से ऑप्शन से गाइज गेम के अंदर कोई भी ज्यादा फर्क आपको देखने नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर येस या नो कुछ भी आप कर सकते हो। तो गाइज सारा चीज फिलअप करने बाद गाइज यहाँ पर आपको सिर्फ जो है कन्फर्म करना है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे कन्फर्म करने बाद आपको और एक बार यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे कन्फर्म करने के बाद गाइज यहाँ पर देखिए आपका रूम जो है यहाँ पर मतलब कंप्लीट यहाँ पर बन गया है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो तो बहुत सारे रैंडम बंदे यहाँ पर आप हमारे गेम के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो और गाइज आप यहाँ पर जो है ऑब्जर्व में है। ठीक है, देख पा रहे आप ऑब्जर्व में है। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर कोई भी ऑप्शन आप जो है छोड़ दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखिए सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग में जाने के बाद अगर किसी ऑप्शन को जो है आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से और जो है चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से जो है पासवर्ड देना दे देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड क्या दूंगा 67890 इस तरह से मैं दे देता हूँ। उसके बाद टिक कर दिया, उसके बाद कन्फर्म कर लिया। तो गाइज यहाँ पर देख पा रहे मेरा रूम में जो है पासवर्ड आ गया। उसके बाद मेरा रूम आईडी है 22146959। ठीक है, मेरा रूम आईडी ये है और मेरा पासवर्ड है 67890। ठीक है, ये मेरा रूम और आईडी और पासवर्ड है। तो अगर कोई किसी बंदे को मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ तो उसी को मैं जो है ये आईडी और पासवर्ड दूंगा, वो मेरे रूम में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए गाइज यहाँ पर देखिए 48 प्लेयर आपके गेम में अंदर जो है मैक्सिमम जा सकते हैं। लेकिन गाइज आपको गेम को स्टार्ट करने के लिए आपके जो है रूम में 10 बंदा होना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है गेम स्टार्ट कर पाएंगे। 10 से ज़्यादा अगर कम बंदा हो गया आपके रूम के अंदर तो आप गेम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे। उसके बाद देखिए आप किसी प्लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद यहाँ पर आपको चार ऑप्शन आ रहे हैं। इंस्पेक्ट ऑफिसर, उसका जो है अगर आप उसका प्रोफाइल देखना चाहते हो तो यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर इसी बंदे को जो है आप ऐड फ्रेंड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड फ्रेंड कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर और एक ऑप्शन आ रहे हैं मूव टू स्पेक्टर्स, मतलब इसको अगर आप जो है ऑब्जर्व में रखना चाहते हो तो यहाँ पर मूव टू स्पेक्टर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। और गाइज इस बंदे को आप जो है किक करना चाहते हो, मतलब रूम से बाहर करना चाहते हो, तो सिंपल से आप किक ऑप्शन आ रहा है, किक करेंगे। किक करने बाद यहाँ पर देखिए आ रहा है बैन का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको बैन करना है। बैन करने बाद वो आपके रूम से चला जाएगा। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ। तो किसी बंदे को अगर किक करना है या फिर बैन करना है तो सिंपल से इसको किक कर देना है, वो बैन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, मैं देख रूम से पासवर्ड को हटा लेता हूँ। बहुत सारे बंदे इस गेम के अंदर आ जाएगा, इसको कन्फर्म कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज अगर आप जो गेम खेलना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए सिंपल से आपको अभी आप ऑब्जर्व पे हो, और गाइज आप गेम खेलना चाहते हो तो सिंपल से आप किसी भी स्लॉट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर देखिए आपको आ रहा है कि अगर आप इसी स्लॉट में गेम खेलना चाहते हो तो वहाँ पर भी जा सकते हो। ठीक है, अगर आप गेम प्ले देखना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपल सी यहाँ पर आपको ऑब्जर्व जाना है। जाने के बाद आपको ऑब्जर्व में आपको स्पेक्टर्स पे क्लिक करके उसको ऑब्जर्व में आप आ सकते हो। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व में गेम प्ले रहकर जो गेम प्ले देखना चाहते हो तो आपको ऑब्जर्व में आना है। अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो आप सिंपल सी किसी भी स्लॉट के ऊपर क्लिक करके इस गेम को खेल सकते हो। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर जो है कस्टम रूम के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ कि आप लोग जो है कैसे कस्टम रूम बना सकते हैं। उसके बारे में आपको यहाँ पर जो कस्टम रूम के बारे में A to Z आपको यहाँ पर जानकारी मिल गया होगा। तो गाइज वीडियो तो हमारा एक तरह था। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना। अगर गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।